सिस्टम ने कहा है कि पहला फेज यानी सीड प्लानिंग यानी कि स्किल वार्ड और दूसरे फेज है क्या फार्मिंग, दोनों में जिन्होंने अच्छा सिस्टम को बिजनेस वैल्यू देगा है ना, अच्छा टीम बना के बिल्ड करेगा बिजनेस वैल्यू सिस्टम को देगा, उसके लिए सिस्टम ने थ्री प्रोविजनल टोकन थर्ड फेज में देंगे कहा है, जो जिसके सिस्टम अभी वर्क कर रही है, हमारे बीच थर्ड फेज आने वाली है, जब भी सिस्टम आएगी हो सकता है इसका लाभ हम सबको देखने को मिलेगा। ऐसा तो देखो यहाँ पे पहले में था स्टकिंग रिवार्ड, स्टकिंग रिवार्ड है क्या चीज, हम सभी कहते हैं सिर्फ फंडिंग स्टकिंग रिवार्ड कहते हैं है क्या चीज, साथियों यहाँ पे देखते हैं मिनिमम हम सभी यहाँ पे साथ स्टकिंग करते थे 50 ब्यूटी से, लेकिन जब ये पीरियड बना था उस समय का ये पीरियड है उसमें साथियों एक पीस में था है ना 5 ब्यूटी में मिला करता था, अभी तो नहीं मिल रहा है, अभी सभी जानते हैं कि 11.19 से उधर 18.19 उधर मिल रहा है, लेकिन उस समय एक पीस में था 5 ब्यूटी में मिलता साथियों। उस समय जो भी भाई बहन यहाँ पे 100 ब्यूटी वैल्यू में अगर यहाँ पे सीट फंडिंग किया हुआ स्टकिंग किया हुआ साथियों तो उसे यहाँ पे 20 टकन की प्राप्ति होती है ना, और रिवार्ड रूप में साथियों उसे 10 मिलता है, टोटल उसके लिए हो जाता है साथियों 30 टकन, और 20 टकन जो मिलता है उसे 100 ब्यूटी वैल्यू में वही 20 टकन का 0.05 साथियों उसे पर डे स्टकिंग रिवार्ड रूप में रिलीज होकर आती है। साथियों 100 की जगह पे अगर सेम डेट पे कोई भी भाई बहन यहाँ पे अगर 200 ब्यूटी वैल्यू अगर सीट पढ़ने किया हुआ साथियों और एक पीबीस का रेट 5 ब्यूटी मिलता था साथियों उस समय उसे 40 टोकन की प्राप्ति होती है ना, और 20 टोकन साथियों उसे रिवार्ड में मिलता है 50% रिवार्ड जो सिस्टम दे रहा है, टोटल उसे हो जाता है साथियों 7 टोकन का, और 40 टोकन का 0.10 पीबीस मीटर पर डे इसके रिवार्ड रूप में उसे मिलता है। सेम डेट पे 100 और 200 ब्यूटी छोड़ करके कोई भी भाई बहन यहाँ पे अगर 500 ब्यूटी वैल्यू में अगर यहाँ पे शिफ्ट ने किया हुआ साथियों और उसमें एक पीवीसी में अगर रेट 5 ब्यूटी में मिलता था साथियों तो उसे 100 टोकन की प्राप्ति होती है और 50% से रिवार्ड मिलता है, टोटल उसे हो जाता है साथियों 150 टोकन की प्राप्ति होती है, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने परचेस किया है उनका यानी 500 ब्यूटी का 100 टोकन जो मिला है तो 100 टोकन का 0.25 मीटर पर डे स्टकिंग रिवार्ड रूप में उसे रिलीज होती है। सिस्टम ने जब हम सभी यहाँ स्टकिंग कर रहे हैं तो हमारा जो पीस रिलीज होती है साथियों, हमें सिस्टम ने मौका दिया है कि अपना जो रिलीज हुई जो पीस मीटर उसे हम यहाँ से ट्रांसफर करके हम अपने ट्रस्ट वैलेट में ले जाया करते थे पहले, लेकिन अभी सिस्टम हमें क्या कर रही है रिडीम करने का सिस्टम ने मौका दिया है साथियों। मिनिमम हम यहाँ एक पीबी सीटा से है ना लेकर के 5 पीबी सीटा तक यहाँ से हम अब रिडीम करते हैं ना कि ट्रांसफर करते हैं, पहले हम करते हैं ट्रांसफर अभी हम रिडीम करते हैं, और सर जैसे हम यहाँ से साथियों रिडीम करते हैं हमारा जो भी रिलीज होकर बाहर आती है जैसे हमने 5 किया तो 85% का पीबी सीटा सीधे हमारा फार्मिंग पेज में चला जाता है ना 85% का पीबी सीटा, और 15% का पीस बेटा फार्मिंग पेज भी साथ एक न्यू फार्मिंग का जो पेज बना हुआ है एक वॉलेट बना हुआ है वो हमारा 15% पीस बेटा कट के वहाँ चली जाती है। इसीलिए साथ ही कहा जाता है यहाँ पे कि जिन्होंने अगर सोचा होगा कि हम यहाँ पे फार्मिंग नहीं करेंगे जितने हम खरीदे हुए हैं किए हैं अपना पीस बेटा सभी को निकाल के अपना बेच करके निकल जाएंगे सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, कदापि ऐसा नहीं होगा साथियों। सिस्टम ने ऐसा बनाया है ऐसा रचा हुआ है कि नहीं चाहते हुए भी उसे यहाँ फार्मिंग करना ही पड़ेगा, जो उसका 15% कट के जाएगा उसी से उसका फार्मिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, पहले वो 85% का वो 10% में ला करके वो बना के अपना आईआर बना सकता है बेच सकता है, लेकिन 15% जो कट के जा रही है वहां से उसको फार्मिंग करना ही पड़ेगा। आई साथ आगे हम देखते हैं यहाँ पे कि डेली फार्मिंग रिवार्ड है ना, जब हम यहाँ फार्मिंग करते हैं हम यहाँ पे साथियों टोकन से जो हमारे टोकन रिलीज होती है उससे तो हम यहाँ किस प्रकार से हम ब्यूटी मिलता है हम यहाँ समझने की बात है साथियों। हमारा फार्मिंग हो रही है टोकन से ना कि होती है ब्यूटी से है ना, और ब्यूटी की वैल्यू होती है साथियों। जिस समय ए पीडीएफ बना था उस समय एक पीबी सीटा रेट 5 ब्यूटी था साथियों, उस समय 20 टोकन ने जिन्होंने भी यहाँ फार्मिंग किया होगा 20 टोकन से फार्मिंग किया होगा उसका 100 ब्यूटी वैल्यू में फार्मिंग हुआ होगा साथियों, और सिस्टम ने उसे 200% दे रहा है यानी कि 100 का 200 यानी कि उसे 800 दिनों में 200 ब्यूटी बन के बाहर आएगा साथियों, और उसे पर डे 0.25 ब्यूटी के रूप में साथियों उसे फार्मिंग रिवार्ड रूप में मिलता है। सेम डेट में
20 की जगह पे अगर कोई भी भाई बहन यहाँ पे 40 टोकन्स अगर यहाँ पे फार्मिंग किया हो और सेम एक पीवीसी का रेट 5 ब्यूटी में मिलता तो साथ में उसमें उसका फार्मिंग वैल्यू होता है 200 ब्यूटी वैल्यू में होता है फार्मिंग वैल्यू और सिस्टम उसे 200% और दे रहा है, यानी कि टोटल 400 ब्यूटी उसे मिलने वाला है कितने दिनों में, 8 दिनों में मिलने वाली है साथियों। लेकिन यहाँ पे जो रिवार्ड है उसका नहीं, सिर्फ यहाँ 200 ब्यूटी वैल्यू जो फार्मिंग हुआ है उसका 0.50 ब्यूटी साथियों फार्मिंग रिवार्ड रूप में पर डे यहाँ से हमारा लीज होती है। सेम डेट पे साथियों अगर 20-40 टोकन छोड़े जाए, सेम डेट पे अगर 100 टोकन से जिन्होंने यहाँ फार्मिंग किया होगा साथियों उसमें एक पीवीसी मीटर रेट 5 ब्यूटी के में मिलता था तो उसका फार्मिंग वैल्यू होता है साथियों यहाँ पे 500 ब्यूटी के वैल्यू में फार्मिंग होता है 100 टोकन का। सिस्टम उसे 200% दे रहा है, यानी कि 500 का उसे 1000 ब्यूटी मिलेगा, 800 दिनों में मिलेगा साथियों, और यहाँ 500 ब्यूटी का 1.25 पर डे ब्यूटी साथियों से यहाँ इसके रिवार्ड के रूप में साथियों यानी कि फार्मिंग रिवार्ड रूप में उसे यहाँ बाहर आती है। साथियों आगे देखते हैं यहाँ पे फार्मिंग रिवार्ड स्पीड, जैसे हम फार्मिंग किए हैं हम अपने फार्मिंग को किस प्रकार स्पीड यहाँ पे हम अपने बढ़ा करके रिवार्ड ले सकते हैं। साथियों यहाँ पे एक्टिव क्राइटेरिया हम देखते हैं सेल्फ फार्मिंग है ना, खुद का सेल्फ फार्मिंग अगर हम यहाँ पे 100 ब्यूटी के भाव करते हैं साथियों यहाँ पे और हमने रेफर किए हैं लेकिन किसी को फार्म यहाँ पे करा नहीं पाए तो हमें सिर्फ यहाँ 0.25% का स्पीड में हमें यहाँ हमें फार्मिंग रिवार्ड मिलता है साथियों। थोड़ा सा मेहनत करते हैं, टीम बनाते हैं, रेफर करते हैं तो ज्यादा लोगों और फार्मिंग कराते हैं साथियों, तो हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड कैटेगरी में है ना, खुद का फार्म वैल्यू सेल्फ फार्मिंग वैल्यू 500 प्लस एबव ब्यूटी का होना चाहिए यहाँ पे और 5 जो हमने डायरेक्ट किए हैं पांचों लोगों साथियों हम यहाँ पे 500 प्लस ब्यूटी एबव से हम फार्मिंग कराने सक्षम हो पाते हैं, सफल हो पाते हैं। तो साथियों हमें यहाँ बेसिक 0.25% तो मिल ही रहा है, इसी में हमारा 0.25% हमारा एड हो जाता है, जुड़ जाता है और हमारा स्पीड यहाँ से 0.50% पर डे हमारा यहाँ से बढ़ जाता है ना। सेकेंड क्राइटेरिया साथियों हमें थर्ड क्राइटेरिया माने के लिए थोड़ा और अपना फार्म वैल्यू बढ़ाना पड़ता है, यानी कि खुद का फार्म वैल्यू 1000 एबव होना चाहिए है ना, और डायरेक्ट जो हमने 10 लोगों को रेफर किया है 10 हमारे डायरेक्ट हो गए हैं, 10 लोगों को अगर हमने 1000 एबव ब्यूटी वैल्यू में अगर हम फार्मिंग कराने सक्षम हो पाए सफल हो पाए साथियों तो हमें यहाँ 0.25% तो मिल ही रहा है शुरुआत से ही, हमें यहाँ 0.50% हमारा यहाँ एड हो जाता है, जुड़ जाता है और हमारा स्पीड यहाँ से साथ 0.75% का स्पीड हमें पर डे लगता है। साथियों तीसरे कटरे से हम चौथे कटरे माने के लिए खुद का फार्मिंग वैल्यू यानी सेल्फ फार्मिंग वैल्यू 2500 एबव होना चाहिए है ना, और 15 लोग जो हमने रेफर किए 15 जो हमारे हो गए डायरेक्ट हो गए हैं और 15 लोगों को हम साथियों 2500 प्लस एबव ब्यूटी वैल्यू में हम फार्मिंग कराने में सक्षम हो पाते हैं, सफल हो पाते हैं, तो हमें बेसिक में 0.25% तो मिल ही रहा था और हमें यहाँ 0.75% हमारा यहाँ जुड़ जाता है यानी कि एड हो जाता है और हमारा इसके क्षति यहाँ से 1% यानी कि 1.00% पर डे हमारा यहाँ से बढ़ जाता है। छात्र सिस्टम ने हमें और एक मौका दिया है कि चौथे से पांचवें माने के लिए है ना, खुद का फार्म वैल्यू सेल्फ फार्म वैल्यू 5000 एबव अगर हम करते हैं अपना सेल्फ फार्म वैल्यू और जो 20 हमने डायरेक्ट रेफर किया सिस्टम ने हमें कहा भी है कि 20 डायरेक्ट रेफर करना अनिवार्य है, तो अगर हमने 20 लोगों को डायरेक्ट रेफर किए तो हमारे 20 डायरेक्ट हो गए हैं, 200 डायरेक्ट लोगों को हमने साथियों 5000 एबव ब्यूटी वैल्यू अगर हमने फार्मिंग कराने में सक्षम हो पाए साथियों यहाँ पे तो हमें शुरुआत से बेसिक में 0.25% मिल ही रहा था और हमें यहाँ 1.00% हमारा एड हो जाता है, जुड़ जाता है और हमारा स्पीड यहाँ से 1.25% का बढ़ जाता है, यानी कि कहा जा सकती है यहाँ पे कि अगर हमें जो अगर हमें 100 ब्यूटी वैल्यू में हमने फार्मिंग किए हैं और हमारा अगर स्पीड 1.25% है साथियों हमें तो सोचिए कि हमें पर 8 दिन में हम 10 हमारे पास ब्यूटी बन जाते थे हर 8 दिन में है ना, तो यानी कि जो हमें 800 दिन मिले साथियों वो हमें कहा जाए 400 दिनों में, 200 दिनों में, 100 दिनों में, एक दिन में हम ले सकते हैं, अगर पूरा हमारा स्पीड यहाँ पे अगर बढ़ा सकते हैं हम टीम बना सकते हैं तो हमारा स्पीड बढ़ा करके हम इनकम यहाँ से कम समय में ले सकते हैं साथियों। आइए साथियों देखते हैं हम यहाँ पे साथियों हम यहाँ देखते हैं कि फार्मिंग रिवार्ड है ना,
जो हम यहाँ डेली जो रिवार्ड किए फार्मिंग करते साथियों, तो हमारा जो लेबर बनता है, टीम बनता है, तो डेली हमें रेफर रिवार्ड हमें किस प्रकार मिल पाता है, जो हमारा टीम बन जाती है, थोड़ा सा वर्क करते हैं तो हमारी टीम बनती है। तो साथियों मैं अपने थोड़ा देता हूँ उदाहरण। चलिए मेरे पहले लेवल में है ना, मेरे पहले लेवल में 100 फार्मिंग हुआ है पहले लेवल में, और पहले लेवल वाले लोग को साथियों यहाँ पे 0.25 ब्यूटी पर डे मिल रहा है, और 0.25 ब्यूटी का 20% साथी यहाँ पे मुझे भी मिल रहा है, यानी कि 0.05 ब्यूटी पर डे मुझे यहाँ से मिल रहा है। साथियों हमारे सेकेंड लेवल में 1000 ब्यूटी वैल्यू का फार्मिंग हुआ है, तो सेकेंड लेवल वाले लोग को यहाँ पे साथियों 2.50 ब्यूटी पर डे यहाँ मिल रहा है, और 2.50 ब्यूटी का 19% साथी यहाँ पे मुझे भी मिल रहा है, यानी कि 0.47 ब्यूटी पर डे हमें भी यहाँ से रिलीज हो रही है। अच्छा तीसरे लेवल हमारे में 8000 का फार्मिंग हुआ है साथियों, 8000 ब्यूटी का है ना फार्मिंग हुआ है, और तीसरे लेवल वाले लोग को 20.00 यानी 20 ब्यूटी पर डे उन्हें मिल रहा है, और 20 ब्यूटी का 18% साथी यहाँ पे मुझे भी मिलना था, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे मात्र दोनों को रेफर किए, तीसरे रेफर नहीं किए, इसलिए हमें तीसरे लेवल का इनकम नहीं मिल रहा है, हमारा सारा बाउंस हो जा रहा है। जब तक हमें यहाँ नहीं मिले साथियों, तब तक हम यहाँ का लाभ नहीं ले पाएंगे, जब तक कि हम यहाँ हम अपने तीसरे लोग को रेफर नहीं करेंगे। जिस दिन से हम यहाँ तीसरे लोग रेफर करेंगे, उसी दिन से दूसरे दिन साथियों हमारा यहाँ रेफर इनकम तीसरे लेवल का आना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है साथियों, जब इस सिस्टम में आप जुड़े हुए आए हुए हैं, तो सबसे पहला काम है कि आप अपने डायरेक्ट में 20 लोग को रेफर कीजिए, और अपना खुद फार्मिंग कीजिए, और जब अपने लेवल वाले लोग जो फार्मिंग करेंगे साथियों, अपने 20 लेवल तक में कहीं से लोग फार्मिंग करेंगे, तो आपको वहां से बेनिफिट आते रहेगा, आपको यहां से नुकसान नहीं जाएगा, बाउंस नहीं जाएगा। आई साथियों आगे देखते हैं यहाँ पे कि फार्मिंग रिवॉर्ड लिमिट है ना, जो हमारा सिस्टम फार्मिंग करने के लिए जो लिमिट दिया है 200% हमें जो लिमिट दिया है साथियों दे रहा है, उसमें हम किस प्रकार से 400% का इनकम हम ले सकते हैं, फार्मिंग लिमिट को बढ़ा करके टीम बना करके हम यहाँ से ले सकते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे एक्टिव क्राइटेरिया में सेल्फ फार्मिंग है ना, सेल्फ फार्मिंग वैल्यू 100 ब्यूटी का ही है, और डायरेक्ट में रेफर हुआ है, लेकिन किसी ने भी फार्मिंग यहाँ पे नहीं कर पाया है, तो साथियों हमें यहाँ सिर्फ 100 का 200% यानी कि 200% में 200 ब्यूटी हमें मिलेगा साथियों 8 दिनों में। साथियों हमें सेकेंड क्राइटेरिया मानने के लिए अपना खुद का सेल्फ फार्मिंग वैल्यू 100+ ब्यूटी वैल्यू में होना चाहिए, और जो 5 लेवल तक का डायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट तो हमारा ही है, पूरे 1 से लेकर 5 लेवल में जितने भी टीम में सदस्य आते हैं, जितने भी लोग शामिल होते हैं, सभी का पूरा मिला करके साथियों यहाँ पे 1,00,000 का अगर हम सिस्टम को बिजनेस वैल्यू हम दे पाते हैं, 1,00,000 ब्यूटी वैल्यू का सिस्टम को हम बिजनेस वैल्यू दे पाते हैं साथियों, तो हमें यहाँ 200% तो शुरुआत से हमें मिल ही रहा था जब हमने 100 ब्यूटी किया फार्मिंग किया था। साथियों हमें यहाँ 50% हमें यहाँ ये जाता है जुड़ जाता है हमारा, और साथियों हमें यहाँ से 250% का स्पीड से हमें साथियों इनकम आने लगता है, यानी कि अगर हमने यहाँ 100 ब्यूटी डाला है तो हमें यहाँ पे साथियों 250 ब्यूटी बन के बाहर निकलेगा 800 दिनों में। साथियों अगर हमने थोड़ी सी मेहनत और करते हैं टीम बनाने में, और अपने आप को सेकेंड क्राइटेरिया से थर्ड क्राइटेरिया में लाना चाहते हैं, तो अपना खुद का सेल्फ फार्म ले लो 500+ एवं ब्यूटी में होना चाहिए साथियों को, और जो हमने रेफर किए हैं 10 लोग को डायरेक्ट रेफर किए हैं, तो पूरे 10 डायरेक्ट में जितने भी हमारे 10 लेवल तक में है ना, जितने भी लोग आते हैं, सारे लोग को मिला करके, सारे इकट्ठा मिला करके 500,000 का अगर हम सिस्टम को बिजनेस वैल्यू दे पाते हैं साथियों है ना, 500,000 का अगर सिस्टम को बिजनेस वैल्यू दे पाते हैं, तो हमारा यहाँ पे साथियों 200% तो बेसिक शुरुआत से मिल ही रहा था। साथियों यहाँ पे हमें 100% का हमें यहाँ एक रहता है, और हमारे स्पीड यहाँ से 300% का साथियों हमारा यहाँ बढ़ जाता है ना, बढ़ जाता है, यानी कि अगर हमने यहाँ पे 500 से अगर हमने यहाँ फार्मिंग किए हैं, और हमें 10 लेवल तक टोटल 500,000 का सिस्टम को दे दिए साथियों, तो हमें यहाँ 500 का 1500 ब्यूटी बन के बाहर निकलेगा साथियों। साथियों हम तीसरे कैटेगरी से चौथे माने के लिए थोड़ा मेहनत और करते हैं, और अपना सेल्फ फार्मिंग वैल्यू है ना 1000 भाव से हम करते हैं यहाँ पे साथियों, और पूरे 15 लेवल तक में है ना, पूरे 1 से लेकर 15 लेवल तक में हमारे जितने भी टीम बनते हैं, जितने भी लोग आते हैं, सभी का मिला करके 25
लाख का अगर हम सिस्टम को बिजनेस वैल्यू देते हैं तो हमें 200% शुरुआत से मिल ही रहा था और हमें यहाँ 150% का हमें यहाँ एड हो जाता है, जुड़ जाता है और हमारा साथी यहाँ से 350% का हमारा स्पीड यहाँ से हमें रिवार्ड लिमिट हमारा यहाँ बढ़ जाता है साथी। यानी कि अगर हमने यहाँ 1000 से फॉर्मिंग किए हैं तो हमें यहाँ सीधे कहा जाए 3500 ब्यूटी बन के बाहर निकलेगा। लेकिन साथियों इस इनकम लेने के लिए अपना जो है फार्म वैल्यू इसे बरकरार रखना पड़ेगा साथियों, है ना। इसे कम होगा फिर हमें इस कटरे से हम घर करके यहाँ आ जाएंगे 500 वाला में लाभांश लौट जाएंगे, इसलिए हमें इसको ध्यान देना है। साथ हम चौथे कटरे जैसे पहुंचे कटरे माने के लिए है ना, खुद का शेयर फार्म वैल्यू 2500 प्लस ड्यूटी वैल्यू ये होना चाहिए और 20 जो हमने डायरेक्ट रेफर किए हैं वो हमारे 20 लोग बन गए और पूरे 20 डायरेक्ट में जितने भी टीम में लोग सदस्य आएंगे 20 लेवल में जितने भी लोग आएंगे सभी को मिला करके 1,25,00,000 अगर हम सिस्टम को साथियों बिजनेस वैल्यू दे पाते हैं ड्यूटी वैल्यू का तो साथियों हमें यहाँ 200% शुरुआत से मिल ही रहा था और हमें यहाँ 200% एड हो जाता है, जुड़ जाता है और हमारा यहाँ से फार्मिंग रिवार्ड 400% का बढ़ जाता है यहाँ साथियों। यानी कि अगर हमने यहाँ पे 2500 ब्यूटी वैल्यू से हमने फार्मिंग किए हैं और तो हमें साथी हम हमारा टीम 20 लेवल में 1,25,00,000 का ब्यूटी वैल्यू हो गया है तो हमें यहाँ सीधे कहा जाए 2500 का है ना 4 गुना यानी कि 10,000 ब्यूटी वैल्यू हमें साथी बन के निकलेगा यहाँ पे। आप जन सोचिए 10,000 ब्यूटी वैल्यू कम नहीं है साथी, बहुत बड़ा। इसलिए हमेशा हमारे बड़े गुरु जी लोग कहते हैं कि फार्मिंग ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा बिजनेस बड़ा हो और हमारा इनकम दुगुना चौगुना हो बढ़ते जाए। साथियों चौथे में हमने कहा था कि 3 फेज टोकन है ना, सिस्टम ने कहा है कि पहला फेज स्टेकिंग रिवार्ड, दूसरे फेज टोकन फार्मिंग। दोनों में जिन्होंने अच्छा टीम बनाएगा अच्छा सिस्टम को बिजनेस वैल्यू देगा उसको उसके काम करने के आधार पर है ना बिजनेस के आधार पर उसे सिस्टम ने रिवार्ड रूप में 3rd फेज में 3 फेज देंगे कहा है साथियों, तो ये सिस्टम जरूर देगा। सिस्टम लिखता है पुलाइन में निर्भर लिखता है क्योंकि सिस्टम हमेशा ही चलता रहेगा जब तक दुनिया में इंटरनेट है, जब तक दुनिया में लोग साथ हैं तो चलता रहेगा है ना। और जब तक लोग हैं तो इंटरनेट लोग ही करेंगे ही करेंगे, आज छोटे बच्चे भी सुबह उठते हैं और इंटरनेट यूज करते हैं। आई साथ हम देखते हैं थोड़ा सा और हमारे ये एक हमारा पीडीएफ पीरियड है तो 5 एकदम पे अगर आपने 20 लेवल तक है ना, अगर 20 लेवल तक आपने नहीं काम कर पा रहे हैं कम से कम 5 कदम पर अगर आपने 5 लेवल तक भी अगर आपने साथ थोड़ा सा मेहनत करते हैं काम करते हैं 5 का टीम बना करके तो आप यहाँ से बेहतर इनकम ले सकते हैं कम समय में। आइए हम देखते हैं साथ यहाँ पे पहले लेवल में है ना, साथियों पहले लेवल में हमने अगर मान ली चलिए 5 लोगों को यहाँ पे रेफर किया, 5 लोगों को साथियों 500 ब्यूटी वैल्यू में हमने यहाँ फार्मिंग कराने सक्षम हो पाए और खुद का भी 500 ब्यूटी में फार्मिंग किए हैं तो हमारा यहाँ पहला लेवल में 2500 ब्यूटी वैल्यू फार्मिंग होता है साथियों यहाँ पे है ना। और पहले लेवल वालों को यहाँ पे 6.25 ब्यूटी पर डे इन्हें मिल रहा है और 6.25 ब्यूटी का 20% साथी यहाँ पे हम सभी को भी मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 1.25 ड्यूटी पर डे हमें भी यहाँ मिलने वाला है। साथियों जो हमारे पहले लेवल में 5 लोग जितने हम लोग लाए थे 5 लोगों को अगर हमने सिस्टम को बिजनेस करना सिखा दिए थोड़ा बता दिए क्योंकि सिस्टम हमारा क्या है डुप्लीकेट सिस्टम है ट्रू का सिस्टम है, 5 लोग अगर 5 लोग को लेकर आ गए साथियों तो हमारा सेकेंड लेवल में 25 लोग का टीम बन जाती है और 25 लोग साथियों अगर 500 से ब्यूटी वैल्यू अगर फार्मिंग करते हैं यहाँ पे तो 12,500 ब्यूटी वैल्यू को फार्मिंग होता है साथियों हमारा सेकेंड लेवल में। तो सेकेंड लेवल लोग को यहाँ पे 31.25 ब्यूटी मिल रहा है पर डे मिल रहा है और 31.25 ब्यूटी का 19% साथी यहाँ पे हम सभी को मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है? 5.9375 ब्यूटी पर डे हमें भी यहाँ मिलेगा। साथियों जो 25 लोग जो हमारा सेकेंड लेवल में है 25 लोग जब भी 50 लोग को लेके आएंगे साथियों सिस्टम में और सर्वो फार्मिंग यहाँ करा पाएंगे तो हमारा 3rd लेवल में 125 का टीम बन जाती है और 125 लोग 500 ब्यूटी वैल्यू में फार्मिंग करते हैं साथियों वहाँ पे तो हमारा बिजनेस वैल्यू हो जाता है हमारा 3rd लेवल में 62,500 हो जाता है। तो 3rd लेवल वालों को साथ यहाँ पे 1560.25 ब्यूटी पर डे उन्हें मिल रहा है और 1560.25 जो ब्यूटी है साथियों इसका 18% साथ यहाँ पे हमें मिलने वाला है यानी कि 28.125 ब्यूटी पर डे हमें यहाँ साथियों मिलेगा। साथ जो हमारा 3rd लेवल में 125 लोग हैं जब भी 125 लोग साथियों और 50 लोग को लेकर सिस्टम आते हैं तो 4th लेवल में हमारा टीम बन जाती है 625